नमस्कार। वृश्चिक राशि और 12 लगन यानी के पूरे विश्व के अंदर जिसकी भी वृश्चिक राशि है और लग्न कोई भी हो, यानी के पूरे यूनिवर्स के अंदर वृश्चिक राशि वाले भाई बहन बच्चे कोई भी प्राणी अछूता नहीं रहेगा इस वीडियो से। कारण क्या है, हम 12 के 12 लग्न को कवर करने की कोशिश करेंगे। कुछ अपेक्षाएं बहुत लोगों की बढ़ी हैं हमसे, इसीलिए हमने होमवर्क करने के बाद, पूरा स्टडी करने के बाद वृश्चिक राशि को इस ढंग से एक माला के रूप में पिरोने की कोशिश की है, जिसकी माला के जो मोती हैं वो 12 के 12 लग्न है। कोई आदमी ये कंप्लेंट नहीं कर सकता कि मेरे लग्न की चर्चा नहीं हुई या मुझे छोड़ दिया गया, मेरी दशा का जिक्र नहीं किया। सब दशाओं का वर्णन होगा, सभी लग्नों की चर्चा होगी और उन सभी लोगों की बात होगी जो बहुत वृश्चिक राशि वाले के इस समय त्रस्त हैं, परेशान हैं, उनके कष्टों को, दुख को मरहम लगाने का काम ये वीडियो करेगा। साथ ही साथ मैं उन भाई बहन और विद्वान लोगों को बहुत जो वेल क्वालिफाइड हैं इस विषय के, उनको साधुवाद दूंगा कि वो इस विषय को विशेष रूप से आराम से समझ सकते हैं। कारण क्या है, तीन नक्षत्र हैं विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा, इन तीनों का वर्णन यहां पर किया जाएगा। चार चरण और एक चरण, चार चार 8 और 1 9, 9 चरण मिलने के बाद वृश्चिक राशि का निर्माण हुआ है। और वृश्चिक राशि इतनी जबरदस्त एक्सेप्ट करती है हर चैलेंज को और अपने आप को प्रूव करके दिखाती है, तो 12 के 12 लग्नों में अलग अलग इफेक्ट और क्या क्या डिफेक्ट आते हैं, इस बात पर चर्चा बहुत सहज भाव से आप सुनेंगे। अब हम पहले मेष लग्न से बात करते हैं। मेष लग्न के अष्टम भाव में चंद्रमा होगा, मेष लग्न ये बनेगा यहां से और आपके अष्टम भाव में चंद्रमा, तो जो दशा का वर्णन है, चंद्रमा आपके लिए कष्टकारक होता है क्योंकि आपके चतुर्थ भाव का स्वामी पानी से खतरा कराता है, जल से भय। अब इसके साथ मान लिया शनि है, राहु है, बृहस्पति है, अलग अलग इफेक्ट होंगे। बट मैं दशाओं की बात कर लूं, यहां पर आपकी जो दशा है, यहां पर विशाखा नक्षत्र हो, अनुराधा हो या ज्येष्ठा हो, तो मैं सीक्वेंस में चलता हूं। आपके लिए शनि की महादशा से आरंभ होगा काल, वृश्चिक राशि, मेष लगन और शनि की महादशा शुभ फल प्रदान करेगी। और आज की तारीख में जिनकी ढैया भी चल रही होगी उनके लिए भी शुभ परिणाम मिल रहे हैं। लेकिन शनि के बाद बुध की महादशा 17 वर्ष तक कष्टकारक रहेगी। कारण क्या है, 17 वर्ष बुध की दशा अनुराधा वाले, विशाखा वालों की खास तौर से, इनकी बात नहीं हो रही है, क्योंकि आपके मेष लगन का रोग कारक ग्रह बुध और वृश्चिक राशि से भी अष्टम भाव का स्वामी बुध किसी भी तरह से अच्छा नहीं कह सकते। उसके बाद केतु सामान्य और 20 वर्ष शुक्र की महादशा शुभत्व प्रदान करती है। उसके बाद सूर्य, चंद्र और मंगल और राहु की महादशा आपके लिए वरदान बन जाती है मेष लग्न और वृश्चिक राशि के लिए। अब वृषभ लग्न पर आइए। वृषभ लग्न सप्तम भाव चंद्रमा और शनि की महादशा से कार्यकाल अगर देखते हैं तो वरदान बनती है 19 साल की दशा। बुध की दशा मेष लग्न के लिए खराब बताई थी अभी, लेकिन वृषभ लग्न हो, वृश्चिक राशि हो,
17 वर्ष तक बुध की दशा आपके लिए निरंतर कई प्रकार की उपलब्धियां देती है। धन लाभ के साथ साथ आपकी एजुकेशन, आपकी इनकम, संचित धन का लाभ और केतु दशा कष्ट कारक और शुक्र की महादशा में कुछ शत्रुओं के द्वारा परेशानी, कुछ बीमारी रहती है 20 वर्ष, लेकिन उसके बाद सूर्य, चंद्र और मंगल की दशाएं आपके लिए कई प्रकार की विदेश यात्रा, पैसा, संपत्ति देती है। मिथुन लग्न के लिए छठे भाव में पड़ रहे चंद्रमा का जो प्रभाव है वो शनि की दशा तो इनके लिए अच्छी रहती है। 19 वर्ष बुध की दशा भी शुभ, क्योंकि मिथुन लग्न का स्वामी बुध। केतु की दशा भी सामान्य फल देती है। 20 वर्ष आपके लिए, आपकी संतान की उन्नति के लिए शुक्र की दशा अच्छी रहती है। आदमी कमाने के लिए इधर उधर जाता है, घर छोड़ करके बाहर जाता है, परदेश जाता है, धन बहुत कमाता है, स्वर्ण रत्न आभूषण, पैसा, व्यवहारिकता, अच्छे अच्छे वस्त्र, यह एक ध्यान देने की चीज है। मिथुन से द्वादश भाव शुक्र, वृश्चिक राशि से द्वादश भाव भी शुक्र। यहाँ का भी मिथुन लगन हो तो बारवा शुक्र, वृश्चिक राशि है तो बारवा शुक्र। शुक्र वैभव देता है लेकिन घर से बाहर जाकर के धन कमा करके लाता है मनुष्य। ये डिपेंड करता है, आप शब्दों को मत पकड़िए हमारे, अपने ग्रहों को भी टैली कर लीजिए कि शुक्र बैठा कहाँ है। अगर वो अपने मूल त्रिकोण में है या स्वग्रही है तो अलग उसका सिनेरियो होगा, कमाने की जो स्थिति परिस्थिति अलग होगी। और सूर्य, चंद्र और मंगल राहु ये दशाएं शुभ फल प्रदान करती हैं। अब आपको कर्क लगन और वृश्चिक राशि स्पेशल कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये लगन का स्वामी यहां पंचम में चला गया और आपके लिए शनि की महादशा 19 साल शुभ फल देगी। उसके बाद बुध की दशा आपको घुमाएगी इधर उधर, कई प्रकार के एक्सपीरियंस, विदेश यात्रा या घर से बाहर नौकरी के लिए या अच्छी एजुकेशन के लिए आदमी चला जाता है। सिंह लग्न, बाकी सब दशाएं बुध के लिए, बुध की दशा के बाद केतु शुक्र अच्छी अच्छा ही फल देती है सारी दशाएं। सिंह लग्न, वृश्चिक राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रमा तथा शनि की दशा अच्छे परिणाम नहीं देती। कई प्रकार के झगड़े, विवाद, हड्डी की रोग तथा शत्रु बहुत होते हैं, फ्रैक्चर होने की संभावना रहती है, क्योंकि शनि कहां बैठा है, हड्डी के रोग देता है। कंपटीशन में आदमी निराश हो जाता है, क्योंकि सिंह लग्न को देर से सफलता मिलती है और उसके बाद आपकी जो दशाएं हैं, शनि के बाद बुध की दशा निरंतर शुभ फल देती है, केतु दशा कष्टकारक और शुक्र की दशा 20 साल तक आपकी रेस्पेक्ट को, आभा मंडल को तरक्की देती है, जीवन को पुश करती है, इंप्रूव करती है। आगे सब दशाएं शुभ और कर्क लगन, सिंह लगन के बाद कन्या लगन, वृश्चिक राशि, ये तीनों नक्षत्र होने के बाद शनि दशा रोग कारक रहती है इनके लिए। शत्रु बढ़ते हैं, संतान का लाभ होता है, संतान सुख मिलता है, लेकिन उसके बाद बुध की दशा जब आती है तब इनको राहत मिलती है। और केतु की दशा कष्टकारक और 20 साल इस कन्या लग्न के लिए और वृश्चिक राशि के लिए सुखमय जीवन, हीरा मोती, कपड़े, चांदी, सोना, नौकर चाकर, अच्छी अच्छी गाड़ियां, फ्लैट, जमीन, सवारी सब खरीदता है आदमी और फैशनेबल होता है, अपनी रेस्पेक्ट को चमका करके रखता है। तुला लगन, वृश्चिक राशि, धन स्थान में चंद्रमा, भाग्यशाली आप शुरू से ही हैं। पैदा होने के बाद जब शनि की महादशा आती है आपको मैटीरियलिस्टिक चीजें फ्रॉम वेरी बिगनिंग, आप सोने की चम्मच लेकर के पैदा होते हैं मुख में और आपको गाड़ी, जमीन, सवारी, पैसा, वैभव
पैतृक संपदा के साथ साथ आपकी ज्ञान बुद्धि कला कौशल अपनी अपने वैभव से आप बहुत धन कमाते हैं, क्योंकि शनि की महादशा, बुध केतु शुक्र की महादशा में रोग होता है, बाकी सब दशाएं आपके लिए वरदान बन जाती हैं सूर्य और चंद्रमा मंगल की। सबसे बड़ी चीज क्या है, तुला लग्न हो और जब मंगल की दशा आती है वो मार्केश नहीं बनता। तुला लग्न के लिए न भोगो मार्को भवेत लघु पारा शरीर में लिखा हुआ है, मृत्यु नहीं देता हो। इसके बाद वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि, वरदान बनने वाली शनि की महादशा, बुध कष्टकारक, केतु कष्टकारक और शुक्र की महादशा बड़े बड़े वरदान आपको देगी और वैभव पूर्ण जीवन, विदेश यात्राएं या आपका टूरिंग जॉब होगा तो आप किसी कंपनी के बड़े बड़े मैनेजर या बहुत उच्च पद का लाभ करने वाले, संपत्ति इकट्ठी करने का शौक होता है ऐसे व्यक्ति को और बदला जरूर लेता है, रिवेंज पॉलिसी, अपने अपमान का बदला लेता है, किसी ने सम्मान दिया तो सम्मान भी जो रिवर्ट बदले में देता है। बाकी सब दशाएं आपके लिए शुभ रहेंगी, सूर्य दशा भी, चंद्र दशा, मंगल दशा, मंगल की दशा में मुकदमेबाजी जरूर होती है। अब आइए धनु लगन, वृश्चिक राशि, ये तीनों नक्षत्र अब शनि दशा आपके लिए 19 साल वरदान बन जाती है, फिर बुध की दशा भी आपके लिए शुभ देती है। शुभ फल क्यों देगी, क्योंकि आपके केंद्र का स्वामी बुध है, दोनों राशियों का स्वामी बुध कहीं भी बैठा हो अच्छा ही परिणाम देगा। केतु की दशा कष्टकारक और धनु लगन हो ये राशि है और शुक्र की महादशा रोग ना दे ऐसा हो ही नहीं सकता। आपके छठे भाव, धनु लगन का छठा भाव आपको शुगर का, मधुमेह, राजकीय सम्मान तो देता है लेकिन ऐसे रोग भी देगा, स्पोंडोलाइटिस, राजा महाराजाओं जैसे रोग देगा। मधुमेह किसको होता है, जो आराम पसंद लोग हैं, जो खेत में हल जोतता है या फावड़ा चलाता है, मजदूर को जो सड़क पर काम कर रहा है उसको शुगर कभी नहीं होती। राजयक्षमा रोग है ट्यूबरक्लोसिस, और ट्यूबरक्लोसिस के अलावा डायबिटीज और ऐसे रोग स्पोंडोलाइटिस क्यों देता है, जो आराम पसंद, तकिए लगाए हुए, मसनद, मसनद जो गोल सा तकिया होता है ना, गोल एकदम, जो ऐसे कंधे से कोहनी टिका करके लोग ऐसे टीवी देखते हैं, या मतलब आराम परस्त, तो ये रोग देता है शुक्र। सूर्य लाभ देता है क्योंकि सूर्य आपके भाग्य स्थान का स्वामी बनता है और चंद्रमा की दशा में कफ एवं कोल्ड तथा कुछ बीमारियां देता है, मंगल की दशा शुभ रहती है। अब मकर लगन, वृश्चिक राशि, शनि की महादशा 19 वर्ष अत्यंत शुभ फल प्रदान करेगी, उसके बाद बुध भी 17 वर्ष, बृहस्पति यात्रा कारक, धार्मिक यात्राएं, तीर्थ यात्राएं, तीर्थाटन तथा जीवन के बहुत सुखद पल व्यतीत करता है मनुष्य, और आगे सभी दशाएं शुभ रहती हैं। कुंभ लगन, दशम भाव में चंद्रमा, आपकी राशि वृश्चिक, ये तीनों नक्षत्र हो तो शनि की महादशा आपकी बल्ले बल्ले, शुरुआत से ही आपका जीवन सुखमय रहता है, उद्योग धंधे, मान सम्मान, अनेक प्रकार के सुख सामग्री जुटा लेता है मनुष्य। उसके बाद बुध की महादशा आती है, ये कष्टकारक है क्योंकि इसका अष्टम भाव ये, इसका अष्टम भाव ये, दोनों तरह से 17 वर्ष बुध की दशा छोटे छोटे रोग, बीमारी, कष्ट, मेडिकल चेकअप, लिपिड प्रोफाइल, ब्लड से संबंधित रोग या कोलेस्ट्रॉल, नर्वस सिस्टम, स्नायु मंडल के रोग उत्पन्न कराता है। और बाकी उसके बाद केतु और शुक्र की महादशा में मान सम्मान, तरक्की, पैसा, प्रॉपर्टी, जायदाद, मान सम्मान, प्रमोशन, इंक्रीमेंट तथा हर प्रकार के सुसज्जित करता मनुष्य को, नौकर चाकर
बड़ी बड़ी गाड़ियां, धन वैभव और कुछ मेडल मिलते हैं। सूर्य की महादशा में मेडल मिलते हैं या राजकीय सुख, राजकीय सम्मान प्राप्त होता है। जितने भी अब तक बड़े बड़े लोग भारत रत्न जिनको मिले हैं, अच्छे ग्रह की महादशा और सूर्य का अंतर प्रत्यंतर जरूर चलता है, या सूर्य उनका डायनेमिक पर्सनालिटी बना करके रखता है। उनको सूर्य का बहुत बड़ा रोल है। सूर्य उच्च राशि में है या मूल त्रिकोण राशि में, या उसका दशम भाव में होना, छठे भाव में होना, तीसरे और नवम भाव में होना राजकीय सुख देता है। मेडल मिलते हैं, पद्मश्री पद्म भूषण या भारत रत्न जैसे, या जिस विभाग में होगा उसका पदक उसको जरूर मिलता है, ताकि एक इतिहास बन जाए, स्पेशल सम्मान मिलता है। और चंद्रमा की दशा रोग कारक रहती है कुंभ लग्न और वृश्चिक राशि के लिए। मीन लग्न और वृश्चिक राशि हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉम्बिनेशन है। कारण क्या है? मीन लग्न का नवम भाव वृश्चिक राशि होती है और वहां पर चंद्रमा है जो कि त्रिकोण का स्वामी बनता है। मीन लग्न के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नवम पंचम पंचम पंचम, ये पंचम नवम का जो एक सिद्धांत ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है, लघु पाराशरी मान सागरी तथा जितने भी ग्रंथ हैं उनमें विशेष चर्चा इस राजयोग की गई है। अब शनि की महादशा वरदान बनती है मीन लग्न के लिए, और बुध की दशा भी आपके लिए शुभत्व प्रदान करती है। 17 साल केतु दशा कष्टकारक और 20 वर्ष शुक्र की दशा भी सुख जरूर देती है, लेकिन कष्ट भी देती है, रोग भी देती है। व्यर्थ की चिंताओं से घिरा रहता मनुष्य, अकारण इनसिक्योरिटी एंग्जाइटी तनाव डिप्रेशन तथा सूर्य की दशा में मीन लग्न और वृश्चिक राशि हो तो कई प्रकार के व्यवधान शत्रु बाधा उपस्थित होती है। उसके घर में छापे पड़ते हैं, सरकारी अधिकारी उनको टॉर्चर करते हैं। और आज की तारीख में देखा जाए तो वृश्चिक राशि और मीन लग्न सबसे ज्यादा प्रताड़ित पीड़ित हर प्रकार से, या इनसिक्योर्ड, नींद नहीं आ रही, लेकिन आप डरो मत, गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, खुशियां जरूर आएंगी, बस उसका इंतजार कर। आपके लिए मीन लग्न और वृश्चिक राशि हो और ऐसी दशा चल रही हो, 7.5 इधर और इधर ढैया, लग्न से भी ढैया और 7.5 का विचार किया जाता है शास्त्रों के अनुसार। तो आइए बात करते हैं सूर्य दशा, चंद्र दशा, मंगल दशा आपके लिए वरदान बनती है, भले ही 7.5 या वो चल रही हो ढैया। लेकिन मंगल अगर खराब स्थान में पीड़ित होकर के बैठा है तो चीटिंग, धोखा, छल कपट, व्यर्थ के विवाद, भूमि संबंधी विवाद जरूर होते हैं। ये 12 लग्नों का फल मैंने वृश्चिक राशि के लिए कहा, जिससे ये नक्षत्र जुड़े हुए हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।